हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्टर स्कूल फॉर योर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर जो हम पढ़ रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोजेक्शन चैप्टर 5 और कितनी बार मैंने कितने टाइम्स
सेकेंड टर्म जो होगी वो आपको मिल जाएगी अगर आप ऐसे मानेंगे। क्या करेंगे आप?
तो आपको सेकेंड टर्म में लेके अगर आप क्यू को ऐड करते हैं, क्यू को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री करते हैं, तो आपको क्या सेकेंड टर्म मिल जाएगा। इसको फिर बाद में आप ए टू कर लीजिएगा, लेकिन ये अपनी सेकेंड टर्म हो जाएगी एक्स बाय थ्री। अगर आप क्या करते हैं, फर्स्ट आपको ए माइनस थ्री मानते हैं, सेकेंड टर्म को ए मानते हैं, थर्ड आपको ए प्लस थ्री मानते हैं, तो आपको सीधा सीधा ही आपको ए टू मिल जाएगा, मतलब मिडिल टर्म मिल जाएगी। आपको सिर्फ डी फाइन करना होगा, जो कि आसान काम जाएगा आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तीन टर्म जीवन आपको हमेशा बोले कि सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स इज दिस, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, थ्री कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक तीनों टर्म्स का जो सम है वो इसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आप सीधे लिखिए फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस थ्री। तो आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो वैसे ही सम ऑफ फोर टर्म क्या आता है, तो सम ऑफ फोर टर्म भी सिंपल है। सम ऑफ फोर टर्म क्या होता है, आपको हमेशा जो है सबका सम जो है वो ए के फॉर्म में आना चाहिए। बाकी सब पहचान में आपको देखना है, देखिए ए माइनस थ्री, ए माइनस थ्री, ए प्लस थ्री, ए प्लस थ्री। अगर सम ऑफ फोर टर्म क्या होता है, फोर टर्म सम ऑफ फोर कॉन्जुगेटेड टर्म्स, तो आप इस बार ये लेते हैं, आप बार ये लेते हैं, तो इसमें जो भी फर्स्ट टर्म है ए वन, ए वन हो जाएगी ए माइनस थ्री डी, और वहीं पर अगर डिफरेंस है डी, तो डिफरेंस है डी वो ना हो जाएगा ए माइनस थ्री माइनस ए माइनस थ्री डी। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं ए माइनस थ्री माइनस ए प्लस थ्री, मतलब जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया है विच इज टू डी, मतलब डिफरेंस अपना होगा अपना टू डी के बराबर है, ठीक है। तो डिफरेंस जो अपना आया है दो किलोमीटर का डिफरेंस है वो टू डी है, लेकिन तीनों का सम है, तीनों का सम है, तीनों का सम है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज फोर है। फिर देखिए माइनस थ्री डी से प्लस थ्री डी कैंसिल, माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल, अपना सीधा ए के लिए आएगी। अब आपको डी फाइंड करना होगा, तो जिस फिर से ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जब फोर टर्म्स की बात करता है, फोर टर्म्स सब्मिट करिएगा, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ रहा है दो टर्म के बीच में वो टू डी के बराबर है, और ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री रहेगी, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री रहेगी, सेकेंड टर्म ए माइनस थ्री रहेगी, थर्ड टर्म ए प्लस थ्री रहेगी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री रहेगी। वैसे ये थ्री टर्म्स में फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री रहेगी, डिफरेंस तो डी ही रहेगा, इधर डिफरेंस तो डी ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री रहेगी, आप फर्स्ट टर्म ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ये रहेगी ए माइनस थ्री। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें आपकी फटाफट वैल्यू आएगी, आपको एक वैल्यू फटाफट मिल जाएगी, आपको एक सेकेंड वैल्यू फाइंड करने की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट वैल्यू ए जो वैल्यू है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप दूसरी हेल्प में करते हैं, अगर आप मानते हैं कि जो अपने यहां पढ़ा है इसके अपना नाम फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस बी, थर्ड टर्म ए प्लस टू, अगर ये करते हैं तो देखिए उसका एडिशन थ्री ए प्लस थ्री बी Thank you.